हाय दोस्त दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा कि सुंदर लड़की को देख करके औरत को देख के जो आपको अट्रैक्शन होता है वो सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से ये नेचुरल है। जैसे किसी भी सुंदर लड़की को आप देखें, चाहे आपकी कोचिंग में हो, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, या वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम करते हो, सड़क पे, कहीं पे भी, भाई मैं देखा किसी भी सुंदर लड़की को, औरत को देखा, अपने आप का मन अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, मन आपका अट्रैक्ट होगा। आप एक बात सोचना, कोई भी सुंदर लड़की जो है उसका नेचर आपको पता है? आप अट्रैक्ट तो हो रहे हैं लेकिन आपको उसका नेचर पता है? कोई भी सुंदर लड़की या औरत को सिर्फ अमीर लड़का, सेलिब्रिटी टाइप का लड़का पसंद है। आप देख सकते हो किसी भी सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे देखो, लड़कियों औरतों का कमेंट, जो सुंदर लड़कियां औरतें होती है सिर्फ उन्हीं का कमेंट आपको मिलेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा है उसके सामने वो एटीट्यूड दिखाएगी। जब वो किसी मिडिल क्लास लड़के को देखती है, कोई भी लड़की, तो वो एटीट्यूड दिखाती है, अकड़ दिखाती है, नहीं मेरे को उससे बात नहीं करना, या उसको भाई बना लेती है, भैया बोल देती है। क्यों? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बंदा है। और अगर कोई सेलिब्रिटी हो, अमीर लड़का हो, तब वो लड़की उसको अट्रैक्ट होना शुरू कर देती है। मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सुंदर लड़की औरत तुम्हें दिख रही है ना, उसको सिर्फ अमीर लड़के पसंद है, मिडिल क्लास लड़के पसंद नहीं है। फिर तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? जिस भी लड़की को तुम देख रहे हो भाई कि हाँ ये लड़की बहुत सुंदर है, ऐसी है, वैसी है, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तुझे, क्यों मिलेगी भाई? सोचो कभी, क्योंकि लड़की को कभी भी गरीब लड़का पसंद नहीं होता। जो लड़की जितनी सुंदर होती है उसके पास उतना ऑप्शन होता है, उसको बहुत सारा ऑप्शन है। तुम्हें लगता है कि लड़की हॉट है, सेक्सी है, सुंदर है तो तुझे मिल जाएगी, या कोई जो औरत है वो तुझे मिल जाएगी, अगर वो सुंदर है, सेक्सी है तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि उसको सिर्फ रिच लड़का पसंद है, अमीर लड़का पसंद है, और तुम हो मिडिल क्लास के। तो फिर उसे देख करके तुझे क्या मिलता है, ये सोच कभी, जो तुझे पा नहीं सकता, जैसे तू उसे देख करके क्या फ़ायदा है। अक्सर लड़कियां क्या करती है पता है तुझे? क्या करती है मैं बताता हूँ यार, अक्सर लड़कियां अच्छे लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। तुमने भी कभी किसी को प्यार किया हो तो होता क्या है, जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना, अच्छे लड़कों को रिजेक्ट कर देती है, उनको सिर्फ बैड बॉय, छपड़ी, अमीर लड़का पसंद होता है। मिडिल क्लास लड़के को भाई बना लेती है, भैया बोल देती है, और अमीर लड़के को सैया बना लेती है। ये होती है लड़कियों का दोगलापन, जो तुम्हें समझना होगा कि लड़कियां दोगली होती है बहुत। और एक चीज़, अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो यार, ये लड़कियों और चक्कर में मत रहो। अगर गर्लफ्रेंड है तो भी मैं कह रहा हूँ कुछ दिन के लिए दूरी बना लो, मेहनत करो, सफल बनो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। तुम्हें लगता है कोई लड़की सुंदर है, अट्रैक्शन हो रहा है, या कोई लड़की सेक्सी है, अट्रैक्शन हो रहा है कोई औरत की तरफ, लड़की की तरफ, तो उसको बर्दाश्त करो, उसकी तरफ जाओ मत, इग्नोर करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ये रूल है भाई, रूल है कि अट्रैक्शन होगा चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन तुम्हें उस तरफ नहीं ध्यान देना है, तुम्हें अपने गोल पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। क्योंकि जो भी सुंदर लड़की औरत है ना, उसको सिर्फ अमीर लड़के पसंद होते हैं, छपड़ी पसंद होते हैं, बैड बॉय पसंद होते हैं, अच्छे लड़के पसंद नहीं होते हैं। सच बता रहा हूँ, जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो लड़के लड़कियों से अच्छे से बात करते हैं, लड़कियाँ उन्हीं लड़कों को रिजेक्ट करती है। जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं बहुत घमंडी होती है भाई, जो सुंदर औरत या लड़की होती है बहुत घमंडी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ होता है, और वो क्या करती है, अच्छे लड़कों को रिजेक्ट करती है, समझ गए? ज़्यादा दिल डॉल रहेगा, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगी, ये वो ऐसा वैसा। तो मेरे भाई इन चक्करों में मत पड़ना, लड़कियाँ बहुत घमंडी होती है, तुम्हारी फीलिंग इमोशन की गांड मार के चली जाएगी भाई, समझ गए, ज़िंदगी ख़राब करके। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो ना, तो इन चक्करों में कभी मत पड़ना, ठीक है? अपने करियर पे ध्यान दो, गर्लफ्रेंड है तो उसे समझाओ कि मेरे को करियर बनाना है, और अपने ज़िंदगी में लड़कियों से दूरी बना करके रखो अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो।